एट द टाइम ऑफ द कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फतह मक्का के मौके पे, ही फॉरगिव देम ऑल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम को माफ़ कर दिया। हज़रत हमजा बिन अब्दुल मुतलिब वाज ट्रेचरसली मार्टर्ड बाय वहशी। हज़रत हमजा बिन अब्दुल मुतलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा को वहशी ने धोखे से शहीद कर दिया था। ही वॉज द स्लेव ऑफ अबू सुफियान्स वाइफ हिंदा, वो अबू सुफियान की बीवी हिंदा का गुलाम था। शी च्यूड द लिवर ऑफ हज़रत हमजा, इस औरत ने हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र चबाया था। बोथ वहशी एंड हिंदा वर इवन फॉरगिवन बाय द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदा और वहशी दोनों को माफ़ फरमा दिया था। अबू सुफियान वॉज द वर्स्ट एनिमी ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इस्लाम, अबू सुफियान इस्लाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था। एट द टाइम ऑफ द कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगिव हिम, फतह मक्का के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे माफ़ फरमा दिया। ही फर्दर ऑनर्ड हिम बाय डिक्लेयरिंग एमनेस्टी फॉर दोज़ हू सॉट रिफ्यूज इन हिज हाउस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करके जो इसके घर में पनाह लें इसे मजीद इज्जत बख्शी। व्हेन द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑफ 35 इयर्स ऑफ एज, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल के हुए, द बिल्डिंग ऑफ द होली काबा कोलैप्स्ड ड्यू टू हैवी रेन्स, तो हनकाबा की इमारत ज़्यादा तेज बारिशों की वजह से गिर गई। All the tribes of the Quraysh generously participated in its construction. Quraysh ke tamam qabail ne farah dili se iski tamir mein hissa liya. However, taham, when the time of placing Hajar-e-Aswad approached, a dispute arose who would place Hajar-e-Aswad at its place. Jab Hajar-e-Aswad यानी कि जन्नत का पत्थर को अपने मुकाम पर लगाने का वक्त आया तो एक झगड़ा खड़ा हो गया कि हजरे अस्वद को इसके मुकाम पर कौन लगाएगा। ईच ट्राइब वांटेड टू गेट दिस रेयर ऑनर, हर कबीला इस शानदार इज्जत को हासिल करना चाहता था। द आर्ग्यूमेंट कंटिन्यूड फॉर 5 डेज, 5 दिन तक तवील बहस जारी रही। It was likely to turn into a clash. आयन मुमकिन था कि ये एक तसादम में तब्दील हो जाती। But one of their elders named Umayya bin Mughira proposed that the person who entered the haram earliest the following day should be given the privilege to decide the dispute. लेकिन इनके बुजुर्गों में से एक बुज़ुर्ग उमैया बिन मुग़ीरा ने तजवीज़ पेश की कि अगले दिन जो शख्स सबसे पहले हरम में दाखिल हुआ इसे इस झगड़े का फैसला करने का ख़ुसूसी एजाज दिया जाए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द फर्स्ट टू एंटर द हरम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में सबसे पहले दाखिल हुए थे। All the people readily agreed to accept Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam as their arbitrator. Tamam log Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko apna munsif banane ke liye aasani se razamand ho gaye. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam placed Hajar-e-Aswad on a sheet of cloth and asked the representatives of all the tribes to lift the cloth from different edges. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को कपड़े की चादर पर रखा और तमाम कबीले के नुमाइंदों से कहा कि वो मुख्तलिफ किनारे पक कर कपड़े को उठाएं। व्हेन दे टुगेदर ब्रॉट इट टू द फिक्सेशन पॉइंट, जब वो सब मिलकर इसे नसब करने वाले मुकाम पर लाए, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लेस्ड द सेक्रेट स्टोन इन इट्स डिजायर्ड प्लेस, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकद्दस पत्थर को इसके मतलूबा मकाम पर नसब कर दिया। हेंस अ सीरियस फ्यूड वाज अवर्टेड बिकॉज ऑफ द विजडम एंड द फोरसाइट ऑफ अवर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकलमंदी और बसीरत से एक संजीदा झगड़ा टल गया। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद नबवी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टर्न्ड हिज अटेंशन टू strengthen the ties of mutual brotherhood among the Muslims of Medina and Ansar, the helpers and the muhajirin, the immigrants. Masjid Nabawi ki tamir ke baad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne Medina ke musalman Ansar madadgar aur muhajirin yani ke hijrat karke aane wale ke darmiyan bahmi bhaichare ke bandhanon ko mazboot karne ki taraf apni tawajjuh dilayi. इन द हाउस ऑफ अंस बिन मालिक के घर में द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजेस्टेड टू अ गैदरिंग ऑफ 19 मैन टू फॉलो द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। 90 लोगों के इज्तिमा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारे की रूह की पैरवी करने की तजवीज दी। हाफ ऑफ देम वर द इमिग्रेंट्स एंड द रेस्ट वर द हेल्पर्स। इनमें से आधे महाजर थे और बाकी तमाम मददगार थे। द एटमॉस्फेयर ऑफ ब्रदरहुड क्रिएटेड अ स्पिरिट ऑफ सेल्फलेसनेस इन द हार्ट्स ऑफ द फॉलोअर्स एंड प्रोड्यूस्ड वेरी हेल्दी रिजल्ट। भाईचारे की फिजा ने पैरोकारों के दिलों में बेगर्जी का जज्बा पैदा कर दिया और बहुत सेहतमंद नतीज पैदा हुए। द पॉलिसी ऑफ ब्रदरहुड वाज सो वाइज एंड timely that many basic problems were handled amiably and reasonably. भाईचारे की हिकमत अमली इतनी दानशमंदाना और वक्त पर की गई थी कि इसने बहुत से बुनियादी मसाइल को खुश मिजाजी से और अकलमंदी से निपटाया था। His ability to act wisely helped to resolve many problems which could lead to disputes and disagreements. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलाहियत और दानिशमंदाना अमल ने बहुत से मसाइल हल करने में मदद की जो झगड़ों या इख्तलाफात में तब्दील हो सकते थे। His address at the conquest of Makkah is an eternal example of forgiveness and peaceful coexistence which turned the stubborn non-believers into obedient and sincere Muslims. फतह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब पे माफ़ी और पुरअमन बकाए बाहमी की दायमी मिसाल है जिसने ईमान ना रखने वाले हठधर्म लोगों को फर्माबरदार और मुफलिस मुसलमानों में तब्दील कर दिया।